हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फाइब्रो स्कैन टेस्ट मशीन के बारे में बताने वाला हूँ कि फाइब्रो स्कैन टेस्ट मशीन क्या होता है, इसको क्यों करवाते हैं और ये मशीन देखने में कैसा होता है। दोस्तों, फाइब्रो स्कैन टेस्ट मशीन हमारा एक मेडिकल डिवाइस है। इस मशीन का यूज अपने लीवर की स्टिफनेस एंड हार्डनेस चेक करवाने के लिए करते हैं कि आपका जो लीवर हो किस तरीके से वो ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, मतलब ज्यादा फैटिस तो नहीं हो गया या ज्यादा स्टिफनेस, मतलब वो ज्यादा हार्ड तो नहीं हो गया, उस चीज को चेक करवाने के लिए हम फाइब्रो स्कैन टेस्ट करवाते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए कुछ वर्ड लिखा हुआ है, पहला जैसे फाइब्रो स्कैन मशीन इज ए मेडिकल डिवाइस मेजर टू लीवर स्टिफनेस टू एसेस लीवर फाइब्रोसिस और कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द लीवर टिश्यूज स्कैनिंग ड्यू टू द वेरियस लीवर डिजीज एट वर्क लीवर, मतलब काफी सारे डिजीज होते हैं उसमें जो होते हैं। अभी हमारे कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करता है जो फाइब्रो स्कैन मशीन होती है? दोस्तों, सभी मशीन जो होती है ना अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम करता है, लाइक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हमारे क्या है, साउंड वेव पे काम करता है, साउंड वेव है बट उसकी टेक्नोलॉजी अलग है। लेकिन वही जो हमारा फाइब्रो स्कैन मशीन है ये भी साउंड पे ही काम करता है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी एज ए अल्ट्रासाउंड मशीन से अलग है। हमारा जो अल्ट्रासाउंड मशीन है उसकी दूसरी टेक्नोलॉजी है, जो हमारा फाइब्रो स्कैन टेस्ट है उसकी दूसरी टेक्नोलॉजी है। उसका नाम क्या है? इट वर्क बाय यूजिंग ए टेक्नोलॉजी कॉल्ड ट्रांसिस इलेक्ट्रोग्राफी मेजर, मतलब इसकी जो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रोग्राफी टेक्नोलॉजी है। ये क्या करता है, हमारे लीवर की हेल्थ को चेक करता है कि आपका लीवर कितना हार्ड हो चुका है, ये कितना लीवर आपका बढ़ चुका है, ठीक है। अब ये जो टेस्ट है वो इनवेसिव है कि नॉन इनवेसिव है? इनवेसिव का मतलब ये होता है कि जो हमारा सर्जरी के थ्रू किया जाता है या इंटरनली बॉडी में किया जाता है। नॉन इन्वेसिव का मतलब है कि बॉडी के बाहर किए जाने वाला टेस्ट। वही चीज है जो हमारे फाइब्रो स्कैन टेस्ट है दोस्तों, ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। पहले क्या होता था, लीवर की अगर स्टीफनेस या आपका लीवर किस तरीके से प्रॉपर सही है कि नहीं है उसको चेक करवाने के लिए बाईपास सर्जरी की जाती थी। बाईपास सर्जरी भी क्या था, आपके जो लीवर है लीवर का एक टुकड़ा लिया जाता था एंड चेक किया जाता था कि आपका लीवर प्रॉपर तरीके से सही है कि नहीं है। तो उसमें क्या होता था, पेनलेस था प्लस इन्वेसिव टेस्ट था, प्लस उसमें ब्लडिंग वलडिंग ज्यादा होती थी एंड आपको ओटी में जाना पड़ता था। बट फाइब्रो स्कैन मशीन जब से आई है उसमें क्या हुआ है, जो इन्वेसिव टेस्ट था कम होकर इन नॉन इन्वेसिव टेस्ट होने लगे। नॉन इन्वेसिव टेस्ट मतलब फाइब्रो स्कैन से टेस्ट होने लगे। इसमें क्या है, एक ट्रांसड्यूसर प्रोब होता है, प्रोब को क्या करते हैं, अपने लीवर के पास लगा देते हैं एंड मशीन पे वो दिख जाता है कि आपके लीवर का कैप कितना है, फैटिस कितना है, आपके लीवर किस तरीके से काम करता है। तो ये हमारा जो फाइब्रो स्कैन टेस्ट है नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। दोस्तों, मैंने तो आपको बता दिया कि फाइब्रो स्कैन मशीन होता क्या है। फाइब्रो स्कैन मशीन हमारे जो लीवर है, लीवर की स्टीफनेस हार्डनेस है ना, आपका जो लीवर है प्रॉपर तरीके से सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस लीवर को चेक करने के लिए मशीन है फाइब्रो स्कैन मशीन। और फाइब्रो स्कैन टेस्ट, टेस्ट जब होगा जब आपके पास फाइब्रो स्कैन मशीन होगी। आपको इन सब चीज से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि लीवर होता क्या है, ठीक है, लीवर का काम क्या है। दोस्तों, लीवर हमारे बॉडी का एक सबसे बड़ा ऑर्गन्स है, मतलब जो हमारे बॉडीज है उसमें जितने भी ऑर्गन्स है सबसे बड़ा पार्ट हमारे लीवर है। लीवर क्या करता है, हमारे जितने भी आपके डाइजेस्टिव फ्लूड होते हैं या अनवांटेड फ्लूड होते हैं जो हम खाते हैं उसमें से प्रोटीन के एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी तक पहुंचाती है। अब हम बात करते हैं कि फाइब्रो स्कैन टेस्ट का पर्पस क्या है, क्यों करवाते हैं। दोस्तों, फाइब्रो स्कैन टेस्ट जो होता है उन मरीजों को करवाया जाता है लीवर स्टीफनेस, मतलब जिसका लीवर हार्ड हो चुका है उसको करवाने के लिए बोलते हैं, या जिनका लीवर फैटिस हो चुका है उनको करवाने के लिए बोलते हैं, या स्कैरिंग लीवर जो होता है उनको करवाने के लिए बोलते हैं, या जिनके लीवर में दिक्कत है उन पेशेंट को हम करवाने के लिए बोलते हैं। अब मैं आपके सिम्टम्स बता देता हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा हमें दिक्कत है एंड मुझे फाइब्रो स्कैन टेस्ट करवाना चाहिए। दोस्तों, ये मैं जो आपको वीडियो बना रहा हूँ ऑनली पर्पस के लिए बना रहा हूँ, ये आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा एंड डॉक्टर आपको रेफर करेगा कि आपको फाइब्रो स्कैन टेस्ट करवाना चाहिए। बस सिम्टम बता रहा हूँ, सिम्टम अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला आ गया येलो स्किन, जो आपकी स्किन है दोस्तों येलो पड़ सकता है, मतलब पीलापन आ सकता है एंड आपका आंख में पीलापन आ सकता है एंड आपका आंख में सूजन या ब्लडिंग टाइप का हो सकता है। एंड सेकंड आ गया ब्लीडिंग फॉर द वॉइस, ब्लीडिंग का मतलब है आंख के आप नाक है उससे नॉइस हो सकता है या आपको जो बॉडी के अंदर और इंटरनल ऑर्गन्स है उससे भी ब्लडिंग हो सकती है। एंड थर्ड आ गया वेट लॉस दोस्तों क्या है कि आपको डायबिटीज पे नहीं हो, आप नॉर्मल खाना पीना खा रहे हो लेकिन आपके बॉडी में क्या हो खाना पीना लग नहीं रहा और आप पतले होते जा रहे हो, तो उस वो भी कारण हो सकता है फाइब्रोसिस का या लीवर का। एंड फोर्थ आ गया आपका कंफ्यूजन या मेंटेलिटी प्रॉब्लम,
कंफ्यूजन है, मेंटेलिटी प्रॉब्लम का मतलब यह है कि आप मतलब दोस्तों यह है कि आप कंफ्यूजन टाइप का हो सकते हो, या आपका एक दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता, या आपके मन में हलचल टाइप का होता है, एंड आपके एंड और भी सारी काफी सारी चीजें जो हमें बताता है कि आपको लिवर में दिक्कत है। अब प्रिपरेशन बता देता हूँ कि अगर आप टेस्ट करवाने के लिए जाओगे डॉक्टर के पास तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों फर्स्ट तो ये आ गया, अगर आप अल्कोहल लेते हो या स्मोकिंग करते हो तो आपको 2 हफ्ते पहले अल्कोहल या स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए। फर्स्ट ये आ गया। सेकंड आप आ गया डोंट ईट फॉर 3 आवर्स बिफोर टेस्ट। मतलब आपको खाना नहीं खाना जब तक आपका टेस्ट नहीं हो, टेस्ट होने के बाद आपको खाना खाना, उससे पहले आपको 3 घंटे तक खाना नहीं खाना। आपको पेट क्लीन रहना चाहिए जिससे वो टेस्ट करें, इमेज उसको डिस्प्ले पे क्लियर आए। और वियर लूजिंग क्लोथ का मतलब दोस्तों यह आपको टाइट कपड़े पहन के नहीं जाने, क्योंकि आपको आप उतारना पड़ सकता है। उतारने का मतलब आपको ये दिखना चाहिए, तो उसके लिए आपको जींस वाले या टॉप वाले पहन के नहीं, लूजिंग कपड़ा पहन के जाना जिससे आप दिखा सको। फोर्थ आ गया कि कुछ क्वेश्चन होते हैं मरीज को कि ये क्या हमारा पेनलेस है या नॉन पेनलेस है। दोस्तों जो हमारे ये फाइबर स्कैन टेस्ट है नॉन पेनलेस है, इसमें आपको किसी तरीके की सर्जरी वर्जरी नहीं होगी, एंड बाहर से ही हमारा काम हो जाता है। एंड कुछ क्वेश्चन और होता है कि इसको रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगता है। दोस्तों ये रिपोर्ट आने में मुश्किल से मुश्किल आपको 1 आवर्स टू 1.30 आवर्स लगता है। वैसे जल्दी आ जाता है, बट वो डॉक्टर्स क्या होते हैं वेट करवाते हैं, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट बनानी होती है, पढ़नी होती है, देखनी होती है। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि इस टेस्ट से बॉडी पे किसी तरीके का साइड इफेक्ट होता है। दोस्तों नहीं, इस चेकअप से बॉडी पे किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, ये बाहर से करने वाला टेस्ट है, इन्वेसिव। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। दोस्तों मैं इसके मशीन के पार्ट के नाम बता देता हूँ कि इसके मशीन में क्या क्या होते हैं। दोस्तों इस मशीन में आपको पहले डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ये प्रोग्रामेबल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, कंप्यूटर टाइप का छोटा सा एलईडी, एंड उसी को सॉफ्टवेयर होता है फाइबर स्कैन का, एंड उसी को उसका प्रोब होता है। आपको प्रोब भी देखने को मिलेगा, डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, पावर केबल भी देखने को मिलेगा, एंड पोर्ट स्विच भी देखने को मिलेंगे जहाँ से आप इमेज कैप्चर करते हो, और प्रोब जहाँ से आप लिवर पे लगा के देखते हो सारी चीजें देखते हो लिवर का लाइव डिस्प्ले पे। फाइबर स्कैन का एप्लीकेशन होता है जहाँ पर आप नाम वाम सारी चीजें देखते हो। दोस्तों कई कई सारी कंपनियां अलग अलग तरीके का बनाती है, तो आपको अलग तरीके से देखने को मिल सकता है, जैसे कि मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ। दोस्तों जब आप टेस्ट करवाते हो तो इसमें कुछ वैल्यू होती है F0 से लेके F4 तक। उन वैल्यू का मतलब क्या है मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों जो F1 का मतलब F0 to F1 का मतलब है दोस्तों कि आपका लिवर ठीक है, उसमें माइल्ड हल्का पूरा प्रॉब्लम, मतलब ठीक है बट हल्का सा प्रॉब्लम है। और सेकंड का आ जाता है फाइबर स्कैन स्कोर F2 का मतलब दोस्तों तो मॉडरेट लिवर स्कैन, उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो चुका है। थर्ड का आ जाता है फाइबर स्कैन स्कोर F3, मतलब F3 का मतलब है सर्वाइव लिवर स्कैन, मतलब उसमें सायरोसिस हो चुका है, आपको लिवर चेंज भी करवाना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों क्या है, डॉक्टर के पास काफी सारी इलाज होती है एंड मेडिसिन होती है, उसको भी वो कवर कर लेते हैं। F0 से लेके मैंने F4 तक का वैल्यू बता दिया है, जैसे कि F0 से F1 तक था कि आपका लिवर ठीक है बट उसमें थोड़ा सा माइल्ड ना के बराबर प्रॉब्लम है। F2 का मतलब था कि उसमें प्रॉब्लम आया हुआ है, आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। F3 का मतलब था कि उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है एंड जल्दी से जाकर डॉक्टर से मिलो। F4 का मतलब लिवर में प्रॉब्लम आ चुकी है, आपका लिवर डैमेज होने वाला है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों तो आपको बता दिया कि F0 का मतलब क्या है, F1 का मतलब क्या है, F2 का मतलब क्या है, F3 का मतलब क्या है, F4 का मतलब क्या है, ये स्टेज होते हैं। पहली स्टेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 0 से 1 तक, दूसरे में, तीसरे में दिक्कत है, फिर दिक्कत है, मतलब ये स्टेज बताता है। इसमें और चीज़ होती है, जैसे कि आपने रिपोर्ट देखा होगा, इस रिपोर्ट में लिखा होता है KPA लिखा होता है, किसे भी लिखा होता है CPA। दोस्तों CPA का मतलब है कंट्रोल्ड एंटीबॉडी पैरामीटर। दोस्तों ये हमें ये बताता है कि जो आपका लीवर है कितना बढ़ चुका है एंड उसमें कैप की मात्रा कितनी है। जो कैप की नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों, कैप CAP, जो कैप की जो नॉर्मल वैल्यू होती है ये हमें डेसिमल में बताता है, जिसका जो वैल्यू होती है 200 से लेके 400 तक होती है। अगर आप रिपोर्ट में देखोगे, अगर आपका कैप 200 से लेके 400 डेसिमल बता रहे हो तो दैट मीन्स आपका कैप
ठीक है, अब आ जाते हैं केपीए। दोस्तों केपीए हमें ये बताते हैं कि आपका लीवर में कितने स्टीफनेस आ चुकी है और आपका लीवर कितना हार्ड हो चुका है। तो दोस्तों केपीए का फुल फॉर्म होता है किलो पास्कल यूनिट। देखते हैं जो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 2.5 से लेकर 7.5 तक होती है केपीए। 2.5 केपीए टू 7.5 केपीए, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 पास्कल टू 7 पास्कल यूनिट। अब मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ डिपार्टमेंट से कि फाइब्रो स्कैन टेस्ट किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जो मशीन है मशीन को ऑन करेंगे। मशीन को ऑन करते ही जो विंडो है ये लोडिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन आपको डिस्प्ले पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। जो भी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है ये आपको इस डिस्प्ले में फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद, जैसे कि मैं अभी फिलअप कर रहा हूँ, इसमें ऑप्शन आएगा न्यू पेशेंट, क्या आप न्यू पेशेंट को ऐड करना चाहते हो या ओल्ड पेशेंट। तो मुझे ओल्ड पेशेंट का डाटा नहीं देखना, मुझे न्यू पेशेंट ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, न्यू पेशेंट पे क्लिक करूंगा। पेशेंट का नाम तो हम प्रॉपर करवा देते हैं ना, नाम क्या है, एज भाई नेम डालेंगे, एज डालेंगे, जेंडर मेल मेल मेल, हाइट बताओ 170 सेंटीमीटर में, ठीक है। कितने किलो के हो, 62। खाना नहीं खाते तुम यार, लेटो। अब सारी चीजें डालने के बाद अब पेशेंट को लेटाएंगे। भाई राइट में किडनी हमारे की तरफ हो, किडनी दोनों तरफ होती है, लीवर राइट की तरफ होता है। ओके, पांव को ऊपर के रखेंगे कि स्ट्रेट बना रहे हैं। यहां से स्ट्रेट बन गया, पांव को ऊपर और सर हाथ के ऊपर, देन स्ट्रेचनेस बन गई, एक मतलब एक्यूरेट फिगर आ गया है। ये बीच का पोर्शन है, हां यहां से देखना, ये हम हड्डियों के बीच की गैपिंग देख रहे हैं कि लीवर कहाँ पे है। फैटी लीवर अलग होता है, नॉर्मल जो लोग होते हैं उनका अलग होता है, बात हो रही है। वही चेक किया जा रहा है इस वीडियो में, आप देख रहे होंगे। जैसे अगर इधर से कंफर्म नहीं आता तो इधर आएगा, इधर से आएगा, चेक करो तो लगा, फिर उसके बाद हम जेली लगाएंगे। होल से दिख रहे, हाँ एक एरा, जैसे हड्डियों के बीच में स्पेस होता है वो स्पेस, एक एरा हो रहा है फील, एक ही हुआ है स्पेस फील हो, सो वो होगा फील सा, एक यहाँ है, थोड़ा टाइट करके देखो। इतना आगे नहीं जाएगा, इतना आगे जब जाएगा जब लीवर, जब पेशेंट थोड़ा हैवी होगा, फैटी टाइप का, क्योंकि वो ऊपर की तरफ उठा होगा पेट उसका सारा, तब इसका इधर आएगा या इधर आएगा, तब उसके बाद जेली लगाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी दे दी, ये हमारा अल्ट्रा प्रोब है, ये प्रोब है हमारे, एक मिनट ना भाई, मुंह मत लीजिए, ये फुट पैडल है, ये फुट पैडल से भी कर सकते हैं, ये फुट पैडल से ही होगा, फुट पैडल से ही होगा, बता रहा हूँ। एंट्री कर दी, हाँ वो सब सेट कर दिया, उसके बाद न्यू करना है, ठीक है, न्यू में आ गया, जेली लगाने के बाद करना है। अब देखो जहाँ हमने वो करा था ना, मेजर किया था हाथ से, तो लोग बिल्कुल स्ट्रेट, और ये देखो लाइन सी जा रही है, चलती दिख रही है, कौन सी बोल रहा हूँ बताइए, हाथ लगा के बता भाई, ये इधर चल रही है ना, ये वाली, ये तो चल रही है, ये देखो इससे ऊपर देख वो हिला, ये वाली रेड पे गई, ओके, अरे वो ना देखो बीच में होनी चाहिए, सेंटर में ग्रीन, ये ग्रीन है, इससे नीचे जाएगी, देखो इससे नीचे नहीं, अच्छा ये मतलब ये रेड से ऊपर गई, ये ना स्ट्रेट करके रखनी होती है, मतलब बिल्कुल सीधा करके रखना होता है, बिल्कुल सीधा, इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके रखना होता है, और इस प्रोब पे थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स लगाना नहीं होता। अगर आप फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो इसकी कलर है रेड की तरफ जाएगी एंड लो में ग्रीन की तरफ जाएगी, इसको स्ट्रेट रखते हैं। अब देखो ये नीचे वाली लाइन देखो, स्टार्टिंग से एंड तक वो कॉर्नर दिख रहा है जो ब्लू वाला, हाथ लगा के देखो,
ये वाला, हाँ ये ब्लू वाला कोना दिख रहा है ना, नीचे नीचे ये लाइन नहीं दिख रही है। हाँ ये रही, ये रही। ये हाँ इस पे देखो लाइन चल रही होगी हल्की हल्की। हाँ ये लाइन स्टार्टिंग से वहां तक पहुंचे फुट स्विच से, फिर हमें इमेज कैप्चर करना होता है। लाइन वहां पेडल दबाना होता है इसकी वजह से जो ये फाइल आप फोटो ले, फोटो क्लिक करे इसको लीवर की। दोस्तों इमेज हमें 10-15 क्लिक करना होता है, क्योंकि बाद में हमें मिलाना भी होता है कि इमेज प्रॉपर जो मैंने पिछली बार लिया था जो वैल्यू आई थी वो सेम है कि अलग है, तो बार बार आपको इमेज लेना पड़ सकता है इसमें। अगर ट्रांसड्यूसर हिला तो यहाँ की रीडिंग गलत आएगी, यहाँ की रीडिंग गलत आएगी। जैसे कि आप देख रहे हो मैं यहाँ ट्रांसड्यूसर हिला रहा हूँ और ये जो है ये है, ये भी मूव कर रहा है, इसको ग्रीन पे रहना चाहिए। और आप जितने जितना इमेज कैप्चर किया है वो भी काउंट होके आपको डिस्प्ले पे दिखेगा कि आपने कितना इमेज कैप्चर किया है। करने के बाद प्रोब को हम अंदर रख देंगे। प्रोब को अंदर रखने के बाद ये सेव का ऑप्शन है, अगर सेव करना चाहते हो, ये कैंसिल का ऑप्शन है, कैंसिल करना चाहते हो, हम इस एंट्री को सेव नहीं करेंगे। ठीक है, आपको फिर डिस्प्ले पे इस तरीके से वैल्यू शो होएगी कि पेशेंट का वैल्यू कितना था, सक्सेस रेट कितना था, और आपने इतना इमेज कितना कैप्चर किया हुआ है, केपीएन फाइब्रोसिस पेशेंट का कितना है। टोटल 3 शॉट लिए, तीनों के तीनों वैलिड हैं। वैलिड अगर इसमें से एक भी शॉट खराब होता ना तो ये वैलिड उतना ही कम हो जाता। ओके, ये स्टेपनेस तुम्हारा जो लीवर कितना मोटा है, कितना परसेंटेज है, कितना नहीं है, और रिपोर्ट के हिसाब से समझाऊंगा, इससे नहीं समझाएगा। करके देख सकते हो हमारी तीनों रीडिंग, मतलब तीनों कैसे कैसे आ रही थी। ई यहाँ से आप करोगे ये तीनों रीडिंग आ जाएगी इसकी, 5, 5, 1, 5, 2 इतनी ही है, सेम रीडिंग है, दो जगह से लिए फिर भी सेम। डाउन करके देख सकते हो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर सेव करना हो पेन ड्राइव से लेके फिर प्रिंट देना हो, वहाँ से पेन ड्राइव लाके लगा सकते हैं। एंड आपको किसी को ये जो रिपोर्ट है किसी को सेंड भी करना है तो आप पेन ड्राइव के थ्रू या मेल के थ्रू ये डाटा लेके अलग डॉक्टर्स को या अलग जगह दिखा भी सकते हो, तो ये भी फैसिलिटी होती है हमारी फाइब्रोटच मशीन में। दोस्तों ठीक है, अब मैंने बस ये वीडियो आपको समझाने के लिए बनाया है, बाकी आप जब भी मशीन ऑपरेट करो तो आपको यूज़र मैनुअल पढ़ना पड़ेगा कि मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं, कहाँ से नाम डालते हैं, कहाँ से एज डालते हैं, एंड कहाँ से हम इमेज कैप्चर करते हैं, और सारी डाटा को कैसे रीड करते हैं। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, बाकी आप डॉक्टर अगर आपको दिक्कत है तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, लास्ट में मशीन को ऑफ कर देंगे एंड जो सारी डाटा थी उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि मैंने बस ये समझाने के लिए आपको वीडियो बनाया था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।